देखिए, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी एक बहुत अच्छी रिएक्शन है फ्री रेडिकल की। क्या होता है इस रिएक्शन में? आप ये देखिए, हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। यहाँ पर कोई भी कैटायन हो सकता है, सोडियम पोटेशियम। इसको आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपको ये इस तरह से बन रहा है, आर प्लस CO2 प्लस जो भी हमारे पास आ रहा है Na2CO3। तो Na नहीं मिलेगा हमारे को, एक गैस और मिलेगी, H2 गैस। ये किस तरह से बन रही है? प्लस NaOH। ये सब हमारे को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस। प्लस H2O भी हमारे पास। आप इस तरह से रखिए इसको, यानी एक हमारे पास सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस किया और हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्या इसकी हेडिंग रहेगी, क्या डेफिनेशन रहेगी? लिखिए, इन इफ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम लिख लीजिए, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट देन वी गेट एल्केन, हायर एल्केन लिख सकते हैं। देन रिएक्शन कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शंस। क्या हो रहा है? देन कॉल्ड कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, बहुत इजी है, कोई ज्यादा खास नहीं है। आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है और आपने एक सॉल्ट ले रखा है सोडियम या पोटेशियम का। क्लियर है? तो यहां हमारे पास मैकेनिज्म कैसे रहेगी, देखिए। पहले मैकेनिज्म आप जानते हैं किस तरह से वर्क करेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के लिए प्रोसेस हमने यूज किया, एक एनोड है और एक कैथोड है, और ये कैथोड है, ठीक है? तो एक एनोड है और एक आपके पास कैथोड है, और आपके पास आयन भी दो हैं। जब आप एग्जाम्पल से ले रहे हैं, CaCO2- और एक इसी के साथ होगा Na+। तो Na+ किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ? कैथोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरफ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। क्लियर है? तो एनोड पे अलग मैकेनिज्म हो रही है, एनोड रिएक्शंस। क्या देखने को मिलेगा एनोड पर आपको? CH3C(OO-) है आपके पास। एनोड एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जा खुश रहे। और यहां पूरा पूरा शिफ्टिंग कुछ इस तरह से हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। एनोड है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ले लेगा, छीनेगा। तो क्या होगा, क्या देखो ध्यान से। पहले तो यहां से आपके पास CH3, ये वाला बॉन्ड पूरा एक तरह से, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, समझ रहे हैं आप? और ये बॉन्डिंग हमारे पास इस तरह से टूट रही है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला हमारे पास यहां शिफ्ट हो गया। तो कुल मिला के CH3 डॉट प्लस
CO2 बन जाएगा आपके पास, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, चार्ज बैलेंस है नेगेटिव था, नेगेटिव आ गया। अब आगे ये CH3 डॉट एक और CH3 डॉट से रिएक्शन करेगा, यानी कि कुल मिला के CH3 डॉट दो एक में लाएंगे, या एक कितना बनाएगा C2H6, ये हमारे पास एक एल्केन मिलेगा। ये हो गई पूरी कौन सी रिएक्शन, एनोड पर होने वाली रिएक्शंस। अब बात कर रहे हैं कैथोड पे होने वाली रिएक्शंस। कैथोड पर रिएक्शन कैसी होगी आप, कैथोड रिएक्शन, कैथोड पर हमारे पास Na प्लस Ba और H प्लस Ba पानी का प्लस OH माइनस Ba। तो ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन पूछेगा Na प्लस H प्लस, OH तो पूछेगा नहीं, तो ये H प्लस किस में चेंज हो जाएगा, इस जगह एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है हमारे पास, किस में चेंज हो जाएगा, हाफ H2, और एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दिया है वो इसको ले लेगा। तो कुल मिला के आपको यहां पर ये रिएक्शन देखने को मिल रही है जिसमें H2 भी हो रहा है, और रिजल्ट क्या रहेगा आपका, आपका रिजल्ट रहेगा यहां पर कि बचेगा Na प्लस और एक बचेगा OH माइनस। तो आप इस सॉल्यूशन को क्या बोल दोगे, NaOH। हाँ बेटा, Na प्लस तो है ही, H प्लस वाटर से आ रहा है, वाटर का H प्लस किस में चेंज हो जाएगा, हाफ H2 में, और H2 निकलती जाएगी, तो बचेगा क्या, NaOH। Na प्लस इलेक्ट्रोलाइट तो होगा नहीं क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये आपके पास पहुंच रहा है पॉइंट्स, क्लियर करें इसको। नेक्स्ट रिजल्ट्स क्या बनेंगे इसके अंदर, फर्स्ट मैकेनिज्म जो हो रही है इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा हमारे पास क्या रिजल्ट हो रहा है, एनोड पर हमारे को दो गैसेस मिल रही है, एनोड पर एक CO2 मिल रही है और एक हमें मिल रही है हाफ एल्केन जो हमने लिया था इस जगह पर्टिकुलर इस केस में C2H6। इसको मैं बोल सकता हूँ एल्केन, अभी नाम नहीं लिखना है, ये अगर V लीटर मिलती है तो ये कितना मिलेगी, V/2 लीटर। पर्टिकुलर इस केस के लिए थर्ड पॉइंट कैथोड पर क्या मिल रहा है आपको, यहां कैथोड पर मिल रहा है आपको हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और पता है ये V लीटर है, ये V/2 है, और ये भी कितना मिलेगा, V/2 लीटर। यानी कुल मिला के हमारे पास इस तरह का यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी V अगर मैं एनोड गैस और वी वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड, और कैथोड को मैं लेता हूं तो V+V/2/V/2 क्या जाएगा, ये 3V/2/V/2, 3 टाइम्स आएगा, 3:1। ये आपको एक पॉइंट और मिल रहा है, तो आपको यहां ये सब चीजें बताने में अच्छा लगेगा, कौन कौन सी गैसेस निकल रही है, CO2 निकल रही है, H2 निकल रही है, अच्छा और एल्केन भी निकल रही है, कौन सी गैस नहीं निकल रही है वो भी देख लेना। क्या आपको O2 गैस दिखाई दे रही है यहाँ पर, नहीं बिल्कुल। तो इस तरह का भी कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोड्यूस्ड इन अबाउ कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, आ रही है बात समझ में। थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो रिजल्ट है, की पॉइंट सब लिख लीजिए, की पॉइंट
क्या की पॉइंट आपके पास आएंगे, देखिए ध्यान से। हमारे लिए की पॉइंट यही रहेगा कि जहां हमारे पास CO2 है, CO2 पार्ट को हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ फिर इंटर या इंट्रा, इंटर या इंट्रा रिएक्शंस कराओ। याद रखो प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, यानी एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ना हो, बहुत ध्यान से बात ध्यान रखो, ना हो। तो क्या हमारा की पॉइंट है? इस पूरे पॉइंट्स को मैं फिर बोल रहा हूं, इन द कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस CO2 पार्ट रिप्लेस बाय फ्री रेडिकल एंड फाइनली फ्री रेडिकल कन्वर्ट इन डाइमर फॉर्म बाय द इंटर और इंट्रा रिएक्शंस। रिमेंबर दैट द प्रोड्यूस प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल, इट मींस इट मे बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट रिमेंबर दैट इट शुड नॉट बी ए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट इज क्लियर, लिख लें इसको। एक और की पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है, और वो पॉइंट ये बाय वुड्स रिएक्शंस, सॉरी बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन नॉट जनरेट, वी कैन नॉट जनरेट मिथेन गैस। आप जानते हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल से हम मीथेन नहीं बना सकते थे। इससे पहले हमने वुड्स किया था, उससे भी नहीं बनता था, यहाँ पर भी नहीं बनेगा मीथेन। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक और खास बात है, बाय दिस रिएक्शंस वी गेट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। हम तीनों प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस पर देखते हैं हम। आपके पास कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। CH3, CH2, COONa, बस ये लिख दिया। फर्स्ट आपको प्रोडक्ट बताना है, CH2 COONa, CH2 COONa। थर्ड, और सब में एक ही चीज है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। CH डबल बॉन्ड CH, COONa, COONa। फोर्थ CH COONa, COONa।
वो सारा हम कर सकते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, C2O NNA प्लस C2H5 CWO NA 6 इन सब में क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताएं आप। ठीक है, हाँ बेटा, यहां 6 नंबर पे बेटा देखते हैं हम क्या होगा। यहां एंटी एरोमेटिक बनने का कह रहे हो, तो डाइमर कर देना ना आप, नॉन एरोमेटिक बना लेना, कोशिश तो करो। यहां देखो CO2 हटाओ, डॉट लगाओ, क्या बनेगा रेडिकल, क्या बनेगा आपके लिए C2H5 डॉट, जो कि किसमें चेंज हो जाएगा, C4H10। बोलो यस और नो। यहां क्या बनेगा, CO2 हटेगा, एक तरह से ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा आपके पास, डॉट डॉट, जो किस में चेंज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों डॉट को मिला देंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी इंटर, ये होगी इंट्रा, इंट्रा रिएक्शन फास्ट होती है हमेशा। यहां क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH डॉट डॉट, किस में चेंज हो जाएगा, CH CH, कौन सी रिएक्शन हुई, इंटर या इंट्रा, इंट्रा। क्या मिल रहा है आपको, एल्काइन CH3 CH CH CH3, यहां डॉट मिलेगा और यहां डॉट मिलेगा, तो फाइनली इंटर रिएक्शंस करा दिया मैंने, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां आपको क्या मिलेगा, CH3 डॉट प्लस C2H5 डॉट, तो यहां कौन सा मिल जाएगा आपको, एक तरह से देखा जाए तो मिक्स मिक्स टाइप रिएक्शन होगी, होगी तो इंटर होगी, इंटर लेकिन मिक्स, तो आपको दो तरह से, ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा तो C2H6 प्लस ये इसके साथ करेगा C4H10, और ये आपस में एक दूसरे के साथ करेंगे तो C3H8। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, तो तीनों रिएक्शन हो गई, 1 2 3, इंट्रा वाली इंटर ही है लेकिन मिक्स वुड्स रिएक्शन हो गई, CH 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 CH, और ये डॉट डॉट। लेकिन अगर ये यहां बना लेते हैं बॉन्ड तो एंटी एरोमेटिक होगा, इससे अच्छा है ये डाइमर बना ले, तो CH डबल बॉन्ड CH 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 CH, तो यहां जो डॉट है, यहां जो डॉट है, ये आपस में इस तरह से अटैच हो जाएंगे, यानी डाइमर बना लेंगे, तो एक बड़ा कंपाउंड बना लेंगे जो नॉन एरोमेटिक है। बाकी यहां तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, C2H5 डॉट बनेगा जो कि बाद में किस में चेंज हो जाएगा, C4H10 में। तो आ गया आपको समझ में, लिख लें इसको।